नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग आरओ का जो एक स्पेशल बैच आपके लिए लेकर आए हैं, इसके माध्यम से फिर से हमारी उसी प्रकार सफल कोशिश, जैसे कि अब तक सारे एग्जाम्स में जो अब तक के परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें जो हमारे सफल बैच रहे, उसमें से एक और बैच आपके लिए आरओ की बहुत दिन से डिमांड थी। बच्चे कह रहे थे, सर के पास बार बार कॉल जा रही थी, तो उसी के आधार पर सर ने इसे आरंभ कर दिया है और आपके पास फिर से एक मौका है हमारे साथ जुड़ने का आरओ के एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, आपने देखा होगा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अपने आप में एक अच्छा महत्वपूर्ण पद होता है। सबके मन में लालसा होती है इस पद को पाने के लिए। तो हमारे यहाँ आरओ का जो बैच चल रहा है, जिसके लिए हम आप एक दूसरे के माध्यम से इस परीक्षा को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत ये जान लीजिए कि मैं डॉक्टर ज्योति सिंह आपको टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेस में पॉलिटी की क्लास पढ़ाऊंगी, जहां भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत से ऐसे पहलू जो हमें याद ही नहीं होते, जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन हम उसको पढ़ते रटते हैं। मेरे साथ आप उस न याद होने वाले रटने वाली समस्या को भूल जाएंगे। कोशिश ये होगी कि समझ के सहज तरीके से सारे प्रश्नों को हल किया जाए। हमारे यहाँ जो बैच प्रारंभ है आरओ के लिए, हमारे यहाँ जो बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच में ये जो आपको बोर्ड पे नंबर दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे संपर्क के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, और मान लीजिए ये व्हाट्सएप आप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी अन्य प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। इन नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सारी समस्याओं का, प्रवेश से संबंधित सारी जानकारियों को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन पे जो आपको लिंक दिख रहा है, उस लिंक के माध्यम से भी आप फ्री टेलीग्राम के तहत हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स और भी जो भी समस्याएं हैं वो आपको वहां पर समझ में आएंगी। तो हमारे साथ आप आइए और देखते हैं आरओ के बैच के लिए हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। एक शब्द होता है शासन व्यवस्था का स्वरूप। आज मैंने एक नया टॉपिक आपके लिए लिया है, शासन व्यवस्था का स्वरूप। क्यों लिया है? क्योंकि अब तक हमारे साथ क्या कंडीशन है, हमसे कोई पूछ रहे संघात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, परिसंघीय क्या है, अर्धसंघीय क्या है, तो हमारे पास क्या होता है, भारत ये व्यवस्था से चलता है, संयुक्त राज्य अमेरिका इस व्यवस्था से चलता है, चीन इस शासन व्यवस्था को अपनाता है, उत्तर कोरिया तानाशाह है वो अपने ही शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। यानी कहीं हम एकात्मक बता रहे हैं, कहीं संघात्मक, कहीं अर्धसंघीय, कहीं परिसंघात्मक, लेकिन हमसे कोई पूछे तो जाहिर सी बात है कि हमें डिटेल में उसके बारे में जानकारी नहीं होती। आज हमने जो टॉपिक लिया है शासन व्यवस्था का स्वरूप, उसके तहत हम क्या क्या देखने वाले हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, अर्धसंघीय शासन व्यवस्था। अर्धसंघीय शासन व्यवस्था, यानी हम इतनी चीजों को देखने वाले हैं जो हमें बहुत ज्यादा डाउट देती हैं। संघात्मक क्या है, एकात्मक क्या है, परिसंघीय क्या है, अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, हम केवल बता तो देते हैं ये देश ये है, लेकिन वास्तव में हमें ये जानकारी नहीं होती है कि ये देश
अगर संघात्मक है तो इसका वास्तव में रूप कैसा है। जैसे अगर संघात्मक की बात करें, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? ये जाहिर सी बात है, अगर हमसे कोई हम ये पूछे कि ये देश कौन से शासन व्यवस्था को अपनाता है तो हम बता तो देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है। ये क्या, अगर हमसे कोई संघात्मक शासन को पूछ ले तो हम पूरे ढंग से डिटेल में इसको नहीं बता पाएंगे। एकात्मक की बात करें, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सबसे पहले एकात्मक है, श्रीलंका, ये सब क्या है? ये एकात्मक शासन के स्वरूप हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये जहां अगर हम बात कर रहे हैं इसमें देखे, आप एक काम और कर सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत भी कहीं ना कहीं आंशिक, थोड़ा बहुत अगर मैं कहूं, उसके कुछ उपबंध जहां संघी हो जाते हैं और कुछ एकात्मक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारत यहां भी आपको दिखेगा और कुछ हद तक भारत आपको यहां भी दिखेगा। इसके बाद अगर बात करें परिसंघात्मक, सामान्य उद्देश्य, सामान्य सुरक्षा, परिसंघात्मक अगर बात करें, सामान्य उद्देश्य, सामान्य सुरक्षा के दम पर क्या किया जाता है? दोनों ने आपसी सहमति के द्वारा करार किया, तब जाके परिसंघात्मक बना। अर्धसंघी आप जान रहे हैं जब एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण लिए हुए हो, किसके? एकात्मक प्लस संघात्मक दोनों के लक्षण लिए हो। केसी भीयर ने भारत को कहा है अर्ध संघी, हम उसकी बात करेंगे, क्लियर है ये? इसका मतलब अब हम किसकी बात करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की। अगर आधुनिक रूप में मैं बोलूं, आधुनिक विश्व में सबसे प्रबलतम उदाहरण संघीय शासन का कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य और संघ दोनों ने आपसी सहमति के द्वारा एक संविदा किया। ऐसी शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? जिसमें संघ और विभिन्न संवैधानिक इकाइयां, मतलब प्रांत जो उस संघ के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात प्रांत, दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से एक संविदा किया,
मिलकर आपसी सहमति से एक संविदा किया। संविदा क्या किया कि भैया हम आपस में मिलकर एक मजबूत संघ बनाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों ने क्या कहा, दोनों ने मिलकर कहा कि हम एक मजबूत संघ बनाएंगे। चूंकि दोनों ने आपसी सहमति से संविदा किया, अतः ना तो केंद्र को अलग होने का अधिकार है, ना ही राज्य को अलग होने का अधिकार है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा गणराज्य है जो अलग नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों ने आपसी सहमति के द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा संविदा किया, और ऐसी संविदा, इतनी मजबूत संविदा है कि ना तो केंद्र अलग हो सकता है ना राज्य अलग हो सकता है, अर्थात दोनों हमेशा एक रहेंगे। क्या है ये संघीय राज्य है, आपस में मिलकर समझौते के द्वारा किया गया है। चूंकि आपस में मिलकर समझौते के द्वारा किया गया है, इसलिए अब आप बताइए, मान लीजिए हमने, आपने मिलकर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग इन विषयों पर कोचिंग पढ़ेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अधिकार ज्यादा हो जाए और मैं कह दूं कि इतने टॉपिक में से हम केवल 3 टॉपिक पढ़ाएंगे बाकी नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। या आपके अधिकार ज्यादा हो जाए कि आप कह दें कि हम कोचिंग के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जब समझौता या सहमति अथवा संविदा होती है तो दोनों पक्ष समान होते हैं, कोई मजबूत या कोई कमजोर नहीं होता। तो जब दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से यह समझौता किया है तो याद रखिए इसमें केंद्र भी मजबूत है, केंद्र भी मजबूत है और राज्य भी मजबूत है। दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है, कोई कमजोर नहीं है, दोनों बहुत मजबूत हैं और दोनों में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कमजोर हूं या आप कमजोर हो। दोनों ने एक साथ मिलकर आपसी सहमति से करार किया है तब जाके ये संघ बना है। अब देखिए क्या है, अब ऐसी कंडीशन जब होती है, जब दोनों बराबर होते हैं, तब क्या कार्य किया जाता है, केंद्र राज्य बराबर की स्थिति में तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, संविधान के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन पहले ही तय कर दिया जाता है। संविधान के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन पहले ही तय कर दिया जाता है, अर्थात दोनों के आपसी सहमति से संविधान में ही शक्तियों का विभाजन, अर्थात विषयों का विभाजन, याद रखिएगा शक्तियों का विभाजन से मतलब है विषयों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन आपस में कर दिया जाता है। क्लियर है? अर्थात पता है केंद्र का यह विषय है, राज्य का यह विषय है। चूंकि कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों की स्थिति बराबर है, केंद्र अपने क्षेत्र में, केंद्र अपने क्षेत्र में नियम बनाते समय भूल जाए कि राज्य का क्या नियम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र द्वारा बनाए गए नियम से राज्य के नियम में या राज्य के विषय बाधित हो रहे हो। अथवा हो सकता है राज्य द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और उससे केंद्र के विषय बाधित हो रहे हैं और राज्य को पता ना चल पा रहा हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है और ऐसे में विवाद की स्थिति हो सकती है। इसलिए आवश्यक क्या है, विषयों का लिखा जाना, अर्थात इसमें क्या किया जाए, विषयों को पहले ही लिख दिया जाए। इसे आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब ऐसी विवाद की स्थिति बनेगी तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या कर दिया जाए,
संविधान को लिख दिया जाए, अर्थात ऐसे विवाद की स्थिति से बचने के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है। लिखित संविधान होना अनिवार्य है, क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए संविधान लिख दिया गया और सबके अपने विषय निर्धारित कर दिए गए, तब क्या कंडीशन हो सकती है? इसका मतलब विषय लिख दिए गए अर्थात संविधान लिखित हो गया, लेकिन मान लीजिए संविधान के लिखने के बावजूद भी कोई किसी के विषयों में, कोई किसी के नीतियों में, कोई किसी के नियमों में अगर हस्तक्षेप कर दे तब क्या हो? तब विवाद तो होगी, ऐसी कंडीशन में केंद्र और राज्य के मध्य विवाद होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर की स्थिति में है, ना केंद्र का विनाश हो सकता है ना राज्य का विनाश हो सकता है, ना केंद्र कहीं कमजोर हो सकता है ना राज्य कहीं कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर विवाद होगा तो विवाद अगर मान लीजिए हो तो विवाद के निपटारे के लिए क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में विवाद के निपटारे के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका जिसकी बात केंद्र और राज्य दोनों माने, क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च है, निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। ऐसी न्यायपालिका जिसकी बात दोनों मानेंगे उसका होना अनिवार्य। इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का होना अनिवार्य है। यहां किसकी उपस्थित अनिवार्य है? सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थित अनिवार्य है कि मान लीजिए विषयों के विभाजन को लेकर, कार्यों और नीतियों के निर्धारण को लेकर अगर केंद्र और राज्य में आपसी विवाद होता है, क्योंकि दोनों ने आपसी सहमति से संविदा के साथ संघ का निर्माण किया है, तो राज्य भी मजबूत स्थिति में है, संघ भी मजबूत स्थिति में है, कोई किसी के अधीन नहीं है, तो हो सकता है विवाद में दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि संविदा यही हुई है कि अलग नहीं होना है, इसलिए विवाद का निपटारा किसी एक निष्पक्ष सर्वोच्च और स्वतंत्र संस्था से होगी, जो कौन होगी? जो सर्वोच्च न्यायालय होगी। अब देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संघवाद का संतुलन चक्र कौन कहलाता है? संघवाद का संतुलन चक्र सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? संघवाद का संतुलन चक्र। जब दोनों में विवाद की स्थिति होती है तो यह निपटारा करके दोनों के विवाद को शांत करता है। इसके अलावा फिर देख लीजिए, केंद्र और राज्य मजबूत स्थिति में है, यानी ये बराबर की स्थिति में है। अब मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय तो बन गया, अब क्या होगा? केंद्र ने कहा भैया हम अपने यहां एक सरकार रखेंगे, ऐसी सरकार रखेंगे जो हमारे यहां शासन कार्यों का संचालन करे, क्योंकि बिना सरकार के राज्य का या संघ का अस्तित्व नहीं होता। तो संघ ने क्या कहा? केंद्र ने कहा हमारे यहां निर्वाचन होगा और ऐसे निर्वाचन द्वारा हम अपने यहां राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। किसका निर्वाचन करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। राज्य ने कहा हम भी तो आपके इक्वल हैं, हम आपके निर्वाचन को क्यों माने, हम भी अपने यहां निर्वाचन करेंगे, हम भी अपने यहां निर्वाचन करेंगे और हमारे निर्वाचन के द्वारा हमारे राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, अर्थात दोहरा निर्वाचन होगा। यहां याद रखिएगा, जब जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तब तब इतना जरूर समझिएगा कि हर चीज दोहरी होगी।
दोहरी न्यायपालिका भी कार्य करेगी, राज्य की अपनी न्यायपालिका होगी जो उच्च न्यायालय होगी, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे जगह स्थित होगी जो सभी के मध्य निष्पक्ष और सर्वोच्च रूप से विवाद का निपटारा कर सके। अब देखिए, चलिए मान लीजिए कि दोहरी निर्वाचन की बात कर दी गई, इसके बाद क्या किया गया, कहा गया इसके अलावा एक कार्य और होगा। केंद्र ने कहा जो हमारे यहां नागरिक है हम उन्हें अलग से नागरिकता देंगे। केंद्र ने कहा जो हमारे यहां नागरिक हैं हम उन्हें अलग से नागरिकता देंगे। राज्य ने कहा अगर आप अपने नागरिकों को अलग से विशेष सुविधा देंगे तो हम भी अपने नागरिकों को अलग से देंगे। इसका मतलब नागरिकता भी कैसी हुई, नागरिकता भी दोहरी नागरिकता हुई। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब सिंपल सी बात है, संघीय शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें संघ और राज्य आपस के सहमति के द्वारा एक ऐसे संघ का निर्माण करते हैं जिसमें किसी को उस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, कोई किसी भी प्रकार से किसी भी शक्ति में कम नहीं होता, दोनों इक्वल ही होते हैं। दोहरी न्यायपालिका होती है, दोहरा निर्वाचन होता है, दोहरी नागरिकता होती है, और इन सब के मध्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो निष्पक्ष विवादों का निपटारा करता है, इसीलिए उसे संघवाद का संतुलन चक्र कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए दोहरी न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, दोहरा निर्वाचन सब है, इसका मतलब संघ भी मजबूत, राज्य भी मजबूत। किसी को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्या है, तो याद रखिएगा ये सबसे प्रबलतम उदाहरण है संघवाद का, और संघवाद का ये उदाहरण इसलिए कि दोनों बराबर है, दोनों का विनाश नहीं किया जा सकता, ना तो राज्य का विनाश हो सकता है ना संघ का विनाश हो सकता है, इसलिए क्या कहलाता है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। आज के वर्तमान विश्व में अगर आपको संघवाद का प्रबल संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रबल उदाहरण देखना हो तो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर आप कनाडा के निवासी हैं तो आपके पास कनाडा की भी नागरिकता होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी होगी। अगर आप कैलिफोर्निया के निवासी हैं तो आपके पास कैलिफोर्निया की भी नागरिकता होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी होगी। इसका मतलब कि दोहरी नागरिकता। इसके अलावा अगर संघ में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राज्यों में राज्यपाल का भी निर्वाचन होता है, इसका मतलब दोहरी निर्वाचन प्रणाली। क्लियर है ये क्या है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप है। क्लियर हुआ है संघात्मक शासन व्यवस्था? अब देखिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की। एकात्मक शासन व्यवस्था की एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। केंद्र मजबूत, राज्य कमजोर। केंद्र द्वारा समस्त प्रांत प्लस केंद्र पर शासन, अर्थात
यहाँ क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली, मतलब सब जाके एक में समाहित हो रहा है, अर्थात एक ये है और सब जाके एक में समाहित हो रहा है, इसका मतलब केंद्र मजबूत है। और राज्य क्या है, राज्य कमजोर है, केंद्र क्या कर रहा है, केंद्र क्या करता है, केंद्र प्रांतों को अधिकार देता है, केंद्र प्रांतों को अधिकार देता है, किंतु प्रांतों में भी किसके शासक कार्य कर रहे हैं, केंद्र के शासक कार्य कर रहे हैं, प्रांतों की अपनी स्वायत्तता नहीं है, केंद्र क्या करता है, केंद्र ही प्रांतों को अधिकार भी देता है, शक्तियां भी देता है, और जब चाहे तब शक्तियां छीन भी लेता है, जितने समय तक चाहे उतनी समय तक कार्य करने की शक्तियां देता है, और जब इच्छा हो शक्तियां छीन लेता है, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था में विषयों का बंटवारा नहीं होता। विषयों का बंटवारा नहीं होता। दूसरी बात, चूंकि केंद्र ही मेन सर्वे सर्वा है, केंद्र ही सारी जगह शासन कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि नियम लिखे जाएं केंद्र के पास, केंद्र की अपनी इच्छा है, केंद्र जब चाहे दे, जो विषय चाहे केंद्र निर्धारित कर देगा, इसलिए ऐसी शासन व्यवस्था में लिखित संविधान अनिवार्य नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान लिखा नहीं जाता, ब्रिटेन ऐसा नहीं कि अलिखित संविधान है तो लिखा नहीं जाता, कुछ उपबंध लिखे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब लिखे जाएं, जैसा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कि सब लिखे जाएंगे, ये अनिवार्य है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली की ये विशेषता होती है कि विषयों का बंटवारा है ही नहीं, केंद्र ने जब चाहे तब विषय दिए और जो उसका मन होता वो विषय निर्धारित कर देता है, इसलिए लिखित संविधान अनिवार्य नहीं है। फिर क्या है, चूंकि केंद्र ही विषय भी दे रहा है, केंद्र ही सारी विषयों का और शक्तियों का निर्धारण भी कर रहा है, ऐसी स्थिति में विवाद की कंडीशन बननी नहीं है। केंद्र क्या करता है, अगर कभी विवाद हो तो केंद्र ही ऐसे विवाद का निपटारा कर देता है, इसलिए निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, है, मगर जिस प्रकार संघात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, वहां कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं है, विवादों का निपटारा, पहली बात तो विवाद होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो विवादों का निपटारा कौन कर रहा है, विवादों का निपटारा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। जब केंद्र सरकार द्वारा विवादों का निपटारा किया जा रहा है तो ऐसे में लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, चूंकि प्रांत का कोई अस्तित्व है नहीं, प्रांत किससे बना है, तो प्रांत केंद्र से बना है। अगर प्रांत केंद्र से बना है तो प्रांत के जो नागरिक होंगे कहां के नागरिक होंगे, केंद्र के नागरिक होंगे। ऐसी कंडीशन में नागरिकता किसके हाथ में होगी, नागरिकता केंद्र के हाथ में होगी, इसलिए नागरिक कैसे कहलाएंगे, एकल नागरिक कहलाएंगे, अर्थात एकात्मक शासन प्रणाली में इकहरी नागरिकता होती है। कैसी नागरिकता होती है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। यहां तक क्लियर है? अगर मान लीजिए इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अब एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दो मजबूत स्थिति में थे, दोनों अपने यहां कार्यपालिका न्यायपालिका सब अलग अलग लिए थे, दोहरा निर्वाचन, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी कार्यपालिका सब थी। हमारे ये एकात्मक शासन प्रणाली में ऐसी कंडीशन नहीं है, अर्थात एकल न्यायपालिका एकल कार्यपालिका। और निर्वाचन भी कैसा होगा, इकहरा होगा, अकेला निर्वाचन होगा।
क्लियर है, यानी यहां दोहरी न जैसी व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो केंद्र में समाहित है, सारा सर्वे सर्वा केंद्र है, और जो चाहे तब वो जो विषय चाहे प्रांत को देता है, जब चाहे उससे वो सत्ता वो विषय छीन लेता है। इसलिए यहां दोहरे निर्वाचन, दोहरे कार्यपालिका, दोहरे न्यायपालिका और दोहरी नागरिकता की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, चूंकि केंद्र अधिक मजबूत है, केंद्र अधिक मजबूत है, राज्य कमजोर है, इसलिए केंद्र का विनाश नहीं हो सकता। केंद्र मजबूत है इसलिए केंद्र का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र पर ही राज्य निर्भर है, तो जब चाहे तब राज्यों का क्या कर सकता है, खंडन किया जा सकता है, राज्यों का विनाश किया जा सकता है। इसलिए क्या कहलाता है? एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है, विनाशी राज्यों का, अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का, अविनाशी संघ। क्लियर है ये? इसका मतलब संघात्मक और एकात्मक के जो लक्षण हमने देखे, ये लक्षण हमें कहां समझ में आए? हमें ये समझ में आ गया कि एक जगह संविदा के द्वारा दोनों कंडीशन बनी है और एक जगह केंद्र ने सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। उदाहरण भी मैंने आपको दे रखा है। एकात्मक कौन है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, श्रीलंका। और संघात्मक शासन व्यवस्था कौन है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिन्हें हमें लेकर चलना है। जब हम आरओ आरओ पढ़ेंगे तो आरंभ से जीरो से ही पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर क्या होता है, शासन के स्वरूप हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने शासन का स्वरूप लिया, जिसको आप ये तो समझ जाएं कि संघात्मक एकात्मक वास्तव में होता क्या है। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परिसंघात्मक और अर्धसंघी। क्लियर है यहां तक? मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आया होगा, तो इसको पढ़िएगा और जो डाउट होगा वो तो बाद में क्लियर होता रहेगा। थैंक यू सो मच।